थैंक यू। थोड़ा ही सीखने आया। उन्होंने कहा शी इज़ अ ग्रेट डांसर हरसेल्फ। मैं ना कोई कथक डांस करता हूँ ना भरतनाट्यम करता हूँ। क्लासिकल वर्ड साउंड्स गुड, साउंड्स म्यूजिक टू योर ईयर्स। आज विस्तार में उसको देख भी लेंगे। बट यस, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। जब भी सीखने आए उससे शायद सीखे जाए। इतने सारे क्राउड है, उनके सामने जज करना कितना मुश्किल और आसान काम होगा। होता है क्योंकि जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपना 100% देते हैं और सब में से एक चूज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिकॉज जो क्लासिकल डांसर जो आप बहुत सालों की प्रैक्टिस के साथ करते हैं और किसी एक को एकदम से डिसाइड करो। हर दिन एक दिन होता है किसी का और आप किसी को फर्स्ट सेकेंड थर्ड दे देते हैं। बट जो उनकी मेहनत है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, सालों की मेहनत होती है। सो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ज़्यादा बर्डन है हमारे ऊपर। कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होगा। भाई यहाँ डिफरेंटली जीतना हारना हर खेल में, यदि एक डांस एक्ट है परफॉर्मेंस होंगे तो इट्स थॉट कि भाई ये मान के चलो हर कोई अपने आप में जीतता है। हारना हार जीत का सिलसिला है, चलता रहेगा, आने वाले दिनों में चलेगा। बट इस जीत को लेके अपन बैठे रहे हैं कि हमने डर जीत लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज हारा है कल वो जीत भी सकता है। It's a story which never ends. Thank you so much. Excuse me, sir. Excuse me. Judge करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या categories पर judge करने वाले हैं? Well, I think judging से अलावा I think most important to see the wonderful dancing that's happening और classical dance जो होता है हमेशा बहुत खूबसूरत होता है। भरतनाट्यम is one of the most beautiful dances और judge though I don't think is something worth judging। I think what's important is जो beauty of dance की वो देखनी चाहिए और जो grace आता है उससे body में और last a lifetime। I think that is what is most important। आज यहाँ पर क्या expect कर रहे हो? I'm expecting some fantastic dancing। अरंगेतम performance है and I think अरंगेतम तभी आता है जब कोई बहुत डेडिकेटेडली अपने आप को डांस को समर्पित करे और कम से कम 8-10 साल उसमें बिताए। उसके बाद में जो परफॉर्मेंस होती है आई थिंक दैट इज़ जैसे कहते हैं डायमंड को पॉलिश करके बाहर निकालते हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू सी टुडे। आपने आज यहाँ पर एक डांस भी कोरियोग्राफ किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, डांस कोरियोग्राफी नहीं की है पर आई थिंक आई नो देम बिकॉज दे आर डांसर्स। डांसर्स की जो होती है फैमिली होती है हमेशा और सब लोग छोटे लोग हैं, छोटी फैमिली है। एंड आई थिंक जब डांस का जो गैदरिंग होती है यहाँ पे सब जो डांस लवर्स आते हैं दैट उसका जो एसेंस होता है दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे। आई थिंक जो आर्टिस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं पे अपने आप को बताने का जो सोचते हैं जो उनका फीलिंग होती है उसको जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आई थिंक आर्ट के थ्रू हमेशा किया जा सकता है। उसको मिसयूज़ है या करेक्ट यूज़ है आई थिंक दैट इज़ वेरी पर्सनल क्योंकि आपको जो ठीक लगे शायद किसी और को ठीक ना लगे। सो आई डोंट थिंक दैट कैन बी जज इन एनी मैनर। तो हर आर्टिस्ट रिक्वायर्स अ वे टू प्रेजेंट देमसेल्व्स बी इट गुड और बैड और वो हर मुद्दा उठा सकते हैं। अगर रेमो ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और लोग पसंद नहीं आए तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे किसी का पर्सनल इंटरेस्ट भी इसमें शायद हो सकता है। आई डोंट नो द होल केस अबाउट आई कांट रियली कमेंट बट आई थिंक आर्टिस्ट शुड बी अलाउड टू से व्हाट दे वांट टू से इन डिफरेंट वेज। थैंक यू।